बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रज़ा अकेडमी। लास्ट सेशन में हमने देखा था हाउ टू एडिट, डिलीट, मर्ज एंड इनएक्टिव अ चार्ट ऑफ अकाउंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सब अकाउंट्स पर। सब अकाउंट्स क्या हैं, कैसे ओपन किए जाएंगे और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। सब अकाउंट्स बेसिकली किसी भी चार्ट ऑफ अकाउंट के हेड के नीचे उसकी सब कैटेगरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल से हम एक एक्सपेंस का अकाउंट हमारे पास ओपन है चार्ट ऑफ अकाउंट, तो हम उसमें तमाम एक्सपेंस लिखते जाते हैं। एट द एंड हमें उस चार्ट ऑफ अकाउंट से तमाम एक्सपेंस का टोटल तो मिल जाता है, लेकिन हमें सेपरेटली ये नहीं पता होता कि कौन सा एक्सपेंस कहाँ और किस तरह से किया गया था। तो इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हम सब अकाउंट्स ओपन करते हैं। सब अकाउंट्स बेसिकली चार्ट ऑफ अकाउंट के हेड के नीचे हम कुछ अकाउंट्स या कुछ उसकी सब टाइप्स को ओपन कर लेते हैं, जिनको सेपरेटली हम डील करते हैं, और एट द एंड हमारे पास तमाम चार्ट ऑफ अकाउंट का टोटल भी आ जाता है और हम उसको सेपरेटली देख भी सकते हैं कि हमारा कौन सा एक्सपेंस कहाँ कहाँ पर हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ किसी भी इनकम के अकाउंट की, तो इनकम का हम एक मेन अकाउंट हमारा बना लेते हैं, उसके सब अकाउंट्स हम क्रिएट करते हैं कि हमारी रेंटल इनकम है, इसके अलावा हमारी कुछ जो कंस्ट्रक्शन की इनकम है, जहाँ पर हम जो अपनी मशीनरी वगैरह रेंट पर देते हैं उसकी इनकम है। तो तमाम हमारी जो इनकम है उसको हम मेन इनकम के हेड के नीचे लिखते जाते हैं। तो जो मेन हेड होगा वो उसका पेरेंट अकाउंट कहलाएगा, और जो उसके सब अकाउंट्स होंगे वो उसके डॉटर अकाउंट्स कहलाएंगे। तो तमाम सब अकाउंट्स में हम डाटा एंट्री करने के बाद एट द एंड अपने पेरेंट अकाउंट से उन तमाम का टोटल भी चेक कर सकते हैं, और सब अकाउंट से उसको हम सेपरेटली भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से हमारी इनकम जनरेट हुई थी या कहाँ कहाँ पर हमारे एक्सपेंस हुए थे। तो सब अकाउंट को ओपन करने के लिए अगेन हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स को ओपन करेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंश्योरेंस एक्सपेंस जिसका कोड है 63300, उसके नीचे तीन अकाउंट्स आपको बॉर्डर लाइन से कुछ आगे नज़र आएंगे, जिसमें जनरल लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है और लाइफ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है। ये तीनों अकाउंट बेसिकली सब अकाउंट्स है इस इंश्योरेंस एक्सपेंस के। हम इन तीनों अकाउंट्स में इंडिविजुअल हम इसमें एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, और एट द एंड हमें इन तीनों का टोटल इंश्योरेंस एक्सपेंस के तौर पर मिल जाता है। लेकिन अगर हम चाहें तो इन तीनों को सेपरेटली भी चेक कर सकते हैं। हम अब एक सब अकाउंट ओपन करते हैं यूटिलिटीज़ के अंदर। यूटिलिटीज़ में ये एक्सपेंस कंपनी के कंटिन्यूसली होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, गैस या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का एक्सपेंस। तो हम अगर हमारा कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस होगा तो हम उसको यूटिलिटीज़ में रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन हम एट द एंड उसको चेक नहीं कर सकते। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम यूटिलिटीज़ के अंदर एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के नाम से। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर यूटिलिटीज़ पर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम न्यू अकाउंट करेंगे। आपने अकाउंट न्यू ओपन करना है जैसे हमने लास्ट वीडियोस में देखा था। न्यू अकाउंट यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से भी न्यू अकाउंट ओपन हो जाएगा। शॉर्टकट कमांड है Ctrl+N, और यहाँ पर एक न्यू अकाउंट ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक्सपेंस को क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पर हम अकाउंट का नेम लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिखने के बाद यहाँ पर सब अकाउंट ऑफ की ऑप्शन मैंने आपको पहले बताई थी जब हम चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में देख रहे थे। इसको न्यू चार्ट अकाउंट ओपन किया था तब मैंने बताया था कि हम इस जो ऑप्शन को बाद में देखेंगे, इसको इस दफ़ा हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ये वाला ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही हम इसको एक्टिव करेंगे तो यहाँ पर हमें तमाम चार्ट ऑफ अकाउंट्स ओपन होंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूटिलिटीज़ लिख लेंगे।
यूटिलिटीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है वो यूटिलिटीज़ के अंडर ओपन होगा, और यूटिलिटीज़ का यहाँ पर आप कोड भी देख सकते हैं 68600 है, तो हम इससे आगे वाला एक कोड यहाँ पर डाल देते हैं 68610 कर देता हूँ मैं ये, ताकि इसके अंडर ये अकाउंट ओपन हो जाए। इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, सब कुछ लिखने के बाद हम इसको सेव एंड क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यूटिलिटीज़ के अंडर एक अकाउंट ओपन हो चुका है, 68600 इसका कोड था और 68610 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का कोड आ चुका है। मज़ीद एक अकाउंट ओपन करते हैं, न्यू में जाएंगे, एक्सपेंस में जाएंगे, और यहाँ पर हम अकाउंट नेम में गैस एक्सपेंस कर लेते हैं, सब अकाउंट ऑफ यूटिलिटीज़, और इसका हम नंबर लिख लेते हैं इस दफ़ा 68620, और इसको भी सेव कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने दो सब अकाउंट्स ओपन कर लिए हैं। अगर हमारा कोई भी गैस या इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस होगा तो हम उसको सेपरेटली इन दोनों में ऐड करते जाएंगे, और यूटिलिटीज़ के ज़रिए हम इनका टोटल भी चेक कर सकते हैं, और इन सब अकाउंट्स को क्लिक करके हम इनका इंडिविजुअल बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सब अकाउंट्स के बारे में देखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।